अफगानिस्तान में पाक की चालबाजियां कामयाब होती दिख रही है। पाकिस्तान जिस प्रकार अफगानिस्तान में तालिबान के बहाने अमेरिका पर डोरे डाल रहा है, उसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान का मकसद भारत के प्रभाव से अमेरिका को दूर तो करना है ही, अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को कमजोर करना भी है। इसका असर भी अब अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में तय की जा रही नीतियों में दिखाई भी देने लगा है। पिछले सप्ताह तालिबान से शांति समझौते का स्वरूप तैयार करने में अमेरिका, रूस और चीन के साथ पाकिस्तान ने भी अपनी भूमिका निभाई। इससे पता चलता है कि उसने अफगान शांति प्रक्रिया में किस तरह अपनी भूमिका तैयार कर ली और अफगानिस्तान के अच्छे भविष्य के लिए भारत का लंबा प्रयास किस तरह निष्प्रभावी होता जा रहा है। उभरते हालात में भारत की हिस्सेदारी और उसकी आवाज सिमटती जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर इलाके की जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में स्थापित भी कर लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस और चीन को एक साथ लाने में सफलता हासिल कर ली। उसने पिछले सप्ताह पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया, जो तालिबान का प्रमुख स्पॉन्सर है। पाकिस्तान तालिबान को बातचीत की टेबल पर लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पेचिंग में 12 जुलाई को अफगान शांति प्रक्रिया पर चौपक्षीय साझा बयान जारी करने को लेकर चारों देशों की मीटिंग हुई थी, जिसे देखते हुए भारत को सतर्क हो जाने की आवश्यकता जरूर है। भारत ने पिछले 18 वर्षों से इन रिश्तों को यहां तक लाने में सफलता प्राप्त की है, वह ऐसे मोड़ पर असफल नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान में उभरती परिस्थितियों से भारत के अलगाव की दीर्घकालीन भविष्य में कीमत चुकानी पड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि भारत शांति समझौते में कहीं नहीं है और न ही भारत की चिंताओं को कोई तवज्जो दी जा रही है। भारत को ताजा झटका अफगानिस्तान में अमरीकी राजदूत जॉन बास ने गुरुवार को यह कहकर दिया कि अफगानिस्तान में 28 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक टाला जा सकता है। भारत इसके खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोपियो के नई दिल्ली आगमन पर बार बार जोर दिया था कि शांति प्रक्रिया जारी रहते हुए भी अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव तय वक्त में करवाना चाहिए। भारत ने अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि अलमे खलीजाद और रूस दोनों के सामने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव का भी विरोध किया। हालांकि अफगानिस्तान के प्रमुख पक्षों में कोई भी भारत की आवाज को ज्यादा तवज्जो देता नहीं दिख रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिका और तालिबान ने अस्थायी समझौते के 8 बिंदु तय किए थे। खलीजाद भले ही इसे सेना निकासी नहीं शांति समझौता बता रहे हो, लेकिन तालिबान के साथ साथ दूसरे पक्ष भी इसे अफगानिस्तान से भाग निकलने का अमरीकी प्रयास ही बता रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तालिबान की ओर से हर दिन हो रहे आतंकी हमलों के बावजूद शांति प्रक्रिया की गहमागहमी बढ़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत 18 वर्षों से ज्यादातर सरकारों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर देता रहा है। अफगानों का सबसे चहेता भी भारत है। ऐसे में भारत के लिए अफगानिस्तान में भी बहुत अवसर है। अफगानिस्तान भारत का सबसे अच्छा मित्र है। इस मुल्क ने हर परिस्थितियों में न केवल भारत का साथ दिया है, बल्कि कई बार भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे भारत को काफी सहारा मिला है। लेकिन अफगान तालिबान से भारत के संबंध कभी मधुर नहीं रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते, बल्कि वह आतंकवाद को हथियार बनाकर अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अभी भी राष्ट्रवादी अफगानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसमें भारत की पैठ है। भारत को इस वक्त उन्हें एकजुट करना चाहिए ताकि वे इकट्ठे आवाज उठा सके। पाकिस्तान ने जिस प्रकार अफगानिस्तान के राजनेताओं में फूट डाली है, वह भी भारत के लिए चिंता की बात है। यानी पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से अमेरिका और तालिबान के द्वारा भारत को अफगानिस्तान में चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिशें कर रहा है। अब यदि भारत को पाकिस्तान की इन साजिशों को नाकाम करना है तो भारत को अफगानिस्तान में अपनी सक्रियता और अधिक तेजी से बढ़ानी होगी, अन्यथा पाकिस्तान तो इस अवसर को बिल्कुल गंवाने के मूड में नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।